बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हुए हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जुबान फिसल गई और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह दिया। पर क्या उस समय जुबान फिसल गई थी जब देश की संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक महिला सांसद की तुलना सुपर्णखा से की गई? क्या उस समय जुबान फिसल गई थी जब एक मात्र शक्ति को प्रधानमंत्री जी के द्वारा जर्सी गाय बताया गया? क्या उस समय जुबान फिसल गई थी जब एक गली के गुंडे की माफिक बंगाल के चुनाव में एक मान्य महिला मुख्यमंत्री को दीदी और दीदी कहकर व्यंग्यात्मक तरीके से टकराया जा रहा था? क्या उस समय जुबान फिसल गई थी जब देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक मात्र शक्ति को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह दिया गया? नहीं, जुबान नहीं फिसली थी। भारतीय जनता पार्टी की अम्मा जान आरएसएस के महिला विरोधी संस्कारों का आईना दिखाया जा रहा था, और वो आईना, मैं तो राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, आए दिन चैनलों पर बैठती हूँ, भाजपा के प्रवक्ता वो महिलाओं विरोधी संस्कारों का आईना लगातार दिखाने का काम करते हैं। तो मैं यही कहूंगी, यहाँ की जनता समझदार है, यहाँ की जनता, अगर मैं विशेष कर कहूंगी जो पिछड़ा वर्ग है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा विरोधी है, महिला विरोधी है, किसान विरोधी है, दलित विरोधी है, मजदूर विरोधी है और युवा विरोधी है। कांग्रेस पार्टी दलित पिछड़े हितैषी है। हमारी पूरी तरह से जिन राज्यों में हमारी सरकारें, आप देख लीजिए, पंजाब में हमने दलित मुख्यमंत्री दी, छत्तीसगढ़ राजस्थान में हमने पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री दी। भारतीय जनता पार्टी कह दे कि हम इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपनी मुख्यमंत्री का चेहरा एक महिला को देने का काम करेंगे, माननीय सुश्री उमा भारती जी को मुख्यमंत्री का दावेदार बनाएंगे, क्या कहेगी भारतीय जनता पार्टी? नहीं कह सकते, क्योंकि इन्हें तो सिर्फ एजेंडा सेट करना है। कभी हिजाब और किताब का द्वंद फैलाते हैं, कभी जाति और धर्म के नाम पर भड़काते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, मैं यहाँ पर आह्वान जनता से करने आई हूँ। आज मेरी 2 सभाएं और दोनों सभाओं में मैं यही आह्वान करूंगी कि ललितपुर विधानसभा क्षेत्र से बलवंत सिंह राजपूत जी और जो बगल की हमारी मेहरौनी विधानसभा क्षेत्र है वहां से ब्रजलाल खाबरी जी को भारी मतों से जिताएं। तो क्या आप ये कहना चाहती हैं प्रधानमंत्री जी की जबान नहीं फिसली, ये कूटरचित साजिश का एक हिस्सा है क्या? नहीं, मैंने तो पहले ही कह दिया कि जबान फिसल गई, मान लिया ना आपने? आपने अब कहा कि मैं मानती हूँ कि एक बार जबान फिसली हर बार जबान नहीं फिसलती, तो क्या ये कूटरचित साजिश का हिस्सा है क्या? ये तो आरएसएस की विचारधारा है जो महिला विरोधी है, उसी का तो आईना प्रधानमंत्री ने जी ने दिखाया। नहीं तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा क्या ये शोभा देता है, एक महिला को मात्र शक्ति को जर्सी गाय कहना? आपने कांग्रेस पार्टी ने मुझे पूरा सम्मान दिया, सबसे कम उम्र की कांग्रेस के इतिहास और वर्तमान में स्टार प्रचारक बनाया गया, सबसे कांग्रेस पार्टी के इतिहास और वर्तमान की सबसे कम उम्र की राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते आज मैं टेलीविजनों के नेशनल टेलीविजन की डिबेट्स के माध्यम से पार्टी का पक्ष रखती हूँ। ये मेरी पार्टी ने सम्मान देने का काम किया, नहीं तो उमा भारती जी का सम्मान क्यों नहीं किया भाई? आज तो मैं मुझे बता दीजिए कि किसी भी स्टार प्रचारक की जितनी सूची अब तक जारी हुई, उमा भारती जी का नाम शामिल करने का काम नहीं किया गया। आप जनता के बीच में, हमने जनता के लिए क्या किया? बुंदेलखंड को तो 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कांग्रेस ने करने का काम किया, मनरेगा कांग्रेस ने कराई, सूचना का अधिकार कांग्रेस ने दिया, नहीं नहीं पूरे देश में एम्स बनाए कांग्रेस ने, 70 साल में जो कांग्रेस ने बनाया भाजपा ने उसको 7 सालों में बेचने का काम किया। मतलब जनता को इसकी जरूरत नहीं थी? किसकी जरूरत नहीं थी? तो अभी जरूरत है तो आप क्यों नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी? क्या आप जरूरत नहीं है शिक्षा केंद्रों की? क्या आप जरूरत नहीं है हॉस्पिटल की? क्या जरूरत नहीं थी मुआवजा देने की किसानों को, जो मजदूर श्रमिक जो रोडों पर गया, क्या उसको जरूरत नहीं थी? क्या किसान जो 700 शहीद हुए उनसे बात करने की जरूरत नहीं थी? जरूरत तो बहुत चीजों की थी ना, लग रहा, लेकिन सरकार तो नहीं कहा। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है भाई साहब, अभी 5 चरण बाकी